I am Supreet. I am Pavan. And we have a passion for traveling. We are the traveling couple. Hi guys, today I'll tell you मेरा वीजा एप्लीकेशन का कैसा एक्सपीरियंस था. एंड एज यू नो मैं यूरोप टूर में जा रहा था जिसमें आई हैड टू गो टू फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड. मेरे 4 days फ्रांस में थे, 2 days बेल्जियम, 2 days एम्स्टरडम एंड 8 days इन स्विट्जरलैंड. सो मुझे शेंगेन वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा स्टे था, मुझे स्विट्जरलैंड का अप्लाई करना था. बट पूरा का पूरा शेंगेन वीजा का भी एप्लीकेशन प्रोसेस VFS ग्लोबल से होता है. देर इज नो अदर ऑप्शन, वो एम्बेसी आपको जाने नहीं देते. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 2 हफ्ते की वेटिंग होती है शेंगेन वीजा के लिए एप्लीकेशन में. मैंने 7 अप्रैल को अप्लाई किया था, मुझे 22 तारीख की जाके डेट मिली. पहले मैं सोचता रहा कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेता हूँ, उसके बाद अप्लाई करूँगा कि भी अगले दिन ही जाके देना होगा, बट ऐसा होता नहीं है. तो एक्चुअली आप पहले वीज़ा के बेशक अपॉइंटमेंट ले लो और बाद में अभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए आपके पास 2 हफ्ते का टाइम होता है. या बट ये भी है कि जैसे ही आप वो अपॉइंटमेंट लेते हो, 4,000 रुपये आपसे दो लोगों के, 2,000 रुपये पर पर्सन उनकी सर्विस फीस ले लेते हैं. वो तो और दुनिया भर का आपको चार्जेस के लिए बोलते हैं, प्रीमियम लॉन्च वगैरह वगैरह. मैंने कुछ नहीं लिया, बट बाद में भी वहाँ जाके इन्होंने मेरे से 700 रुपये पर पर्सन के हिसाब से SMS के वो वीज़ा कुरियर के लिए कि भाई हम कोविड की वजह से अभी कोई एंटरटेन नहीं करते. मैं रेडी था वहाँ जाके कलेक्ट करने को, बट नहीं माने. खैर, सो मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था. सो दिल्ली का VFS ग्लोबल का ऑफिस शिवाजी स्टेडियम का मेट्रो स्टेशन के अंदर ही है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आया कि अब वहाँ पे जाना कैसे है, कार से गया, बट पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे जस्ट 200 मीटर पे DLF का एक मॉल है जिसकी पार्किंग है, वही उन्होंने अपनी भी वो बनाई हुई है, वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं. दे चार्ज 16 रुपीज पर आवर, यूजली 2 घंटा लग जाता है. हाँ, 2 घंटे लग जाते हैं, जो भी अगर आप बोलते हैं 10-15 मिनट में होता है, ऐसा कुछ नहीं है. शेंगेन वीज़ा के लिए बहुत लंबा का वेटिंग टाइम मैं कह सकता हूँ. एक तो लोग बहुत थे, सेकेंड हमें 9 बजे का टाइम दिया था, हम 8:30 पहुँच गए. उनके पास मैनिफेस्ट जो बन के आता है उसके बिना वो अंदर जाने ही नहीं देते. वही लगभग 9:15 आया, उसके बाद अंदर जाके सेम मैनिफेस्ट नहीं था. फाइनली 9:45 जाके तो हमारा प्रोसीजर शुरू हुआ, 9 बजे के टाइम पे 9:45. तो बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत झगड़े बगड़े हो रहे थे, बट इनका है इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, मैं यही कह सकता हूँ. एंड अंदर क्योंकि वीडियोस करना अलाउड नहीं है, तो मेरे पास ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैंने थोड़ी बहुत फोटो खींची है, वो मैं साथ में डाल रहा हूँ. सो एक बार जब आप अंदर जा, पहले एंट्री पे वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर और पासपोर्ट चेक करते हैं, फिर आपको जाके एक काउंटर नंबर 16-17 करके है उसके सामने बिठा देते हैं, फिर आपको जो है बुला के वो टोकन देते हैं. जब टोकन देंगे फिर आप अंदर जाते हैं स्विट्जरलैंड वाले काउंटर्स के सामने, जहाँ लगभग 5-10 काउंटर्स बने हुए हैं. आपका टोकन नंबर जब बुलाते हैं तब आप बारी बारी करके उस काउंटर पे जाते हैं, फिर वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वो चेक करना शुरू करते हैं. जो चेकलिस्ट VFS की वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे कि नहीं रखे. वो 6 महीने की सैलरी स्लिप नहीं लेते, 3 महीने की ही लेते हैं. मैंने अपने और भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए थे बैंक अकाउंट के अलावा, म्यूचुअल फंड वगैरह वो सब मना कर दिया, उन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट कर लिया, प्रॉपर्टी के पेपर्स वाला ले लिया उन्होंने. सो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट VFS ग्लोबल पे अवेलेबल है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए. उसके बाद वहीं पे जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लेने थे और वीज़ा फीस 7,000 प्लस 7,700 ऐसा इसके कुरियर के चार्जेस, वहीं पर उन्होंने लिया. उनके पास कार्ड का सिस्टम नहीं है, तो कार्ड से पेमेंट नहीं होती. लकली UPI था, UPI से पेमेंट हो जाती है, या वो कैश मांगते हैं. उनके पास कार्ड वाला सिस्टम नहीं है, तो ये बात आप पहले से ध्यान में रखिए कि कार्ड, आप सोचिए कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, कार्ड वाला सिस्टम नहीं है उनके पास. तो उसके बाद फिर वो वहीं पे कुरियर का एड्रेस वाला एक फॉर्म भरवाते हैं, UPI की पेमेंट लेते हैं, और फिर आपको नेक्स्ट कमरों में जाने को बोलते हैं जहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग होती है. वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो आपके सारी 10 की 10 उंगलियों के स्कैनिंग करते हैं, आप फोटो खींचते हैं, और वहीं पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं और बोल देते हैं कि भी आप जा सकते हैं. तो मैं लगभग पहुँचा था, मेरा टाइम 9 बजे का था, मैं पहुँचा था 8:30 बजे. 9:15 बजे उन्होंने एंट्री दी और बाहर आते आते 10:15 बज गए थे. तो आई वुड से अबाउट 1-1.5 घंटे का तो काम है VFS ग्लोबल दिल्ली में जाके ये कराने का. और भीड़ बहुत होती है, एंड अंदर कोई लैपटॉप, CD, पेन ड्राइव कुछ नहीं ले जाने देते, सिर्फ मोबाइल फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा. बाकी सब जो है वो बाहर आ पाते हैं, एंड ऑफकोर्स इट कैन बी अ रिस्क. सो लैपटॉप जो है वो नहीं ले जाना है वहाँ पे, सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. सो अभी तक मेरा जो है ये प्रोसेस, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं. आगे आई अपडेट यू कि उसके बाद का मेरा कितने दिन में आया वीज़ा, कैसा हुआ. आई लेट यू नो.
सो जस्ट टू अपडेट, मैंने वीजा अप्लाई किया था फ्राइडे को, ट्यूसडे को मुझे ईमेल आ गया था कि मेरा वीजा प्रोसेस हो चुका है और वेडनेसडे को कुरियर से ये वीजा पहुंच गए थे ये रेड एनवेलप्स में। उन्होंने 5 दिन पीछे और 5 दिन आगे का एक्सटेंड करके वीजा दिया सो दैट अगर कोई फ्लाइट चेंज हो तो उसका भी गैप कवर्ड हो जाए। सो पोस्ट वीजा प्रोसेसिंग वाज फास्ट। थैंक्स गाइस, फॉर एनी कमेंट्स यू कैन राइट बिलो और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।